राम राम जी, सत श्री अकाल सभी भाइयों को। सभी भाइयों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहलू डेयरी फार्म सिधाणी में। जो भाई चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। जो भाई ये वीडियो अपनी Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक करें और फॉलो करें। भाई आज की छोटी सी वीडियो लेके आई हैं भाई जी, तूड़ी के ऊपर। जो नया तूड़ा लगभग बहुत सारे भाइयों के घर पहुंच गया भाई, तो उसको भाई किस तरीके से खिलाएं, जैसी भी अपने पास छोटी मोटी जानकारी है वो आप सब भाइयों के साथ साझा करेंगे। जैसे आप देख सकते हो भाई जी, अपने पास अभी ये पुरानी तूड़ी है, नई तूड़ी अपने अभी नहीं बनी भाई। तो भाई जी, जब नई तूड़ी पशुओं को स्टार्ट करते हैं तो भाई पशुओं को बहुत सारी दिक्कत होती हैं, जैसे पशु को दस्त लग जाना, पशु को कब्जी हो जाना, पशु को अफारा आ जाता है और कई बार भाई पशुओं को पेट दर्द भी हो जाता है, क्योंकि नई तूड़ी होती है जो वो पशु पचा नहीं पाता भाई। तो उसके भाई दो तीन सरल उपाय हैं। अगर आपके पास पुरानी तूड़ी पड़ी है तो भाई उसके अंदर मिक्स करके डालें, आधी नई तूड़ी आधी पुरानी दोनों को मिक्स करके डालें, 5-7 दिन 10 दिन डाल के उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाकर और उसको पशुओं को डालते रहें भाई। एक तो ये उपाय है, और दूसरा भाई जब नया तूड़ा डालना है या पुरानी अपने पे है नहीं, तो भाई उसको पशु को हर रोज़ 40 से 50 ग्राम मीठा सोडा ज़रूर दें और 30-40 ग्राम नमक, दोनों चीज़ आप पशु को ज़रूर दें, ताकि जो पशु की पाचक क्रिया है वो मजबूत हो जाए और पशु नई तूड़ी को अच्छे से पचा सके भाई। और जिन पशुओं की डीवर्मिंग नहीं की हुई भाई, उन पशुओं की आप डीवर्मिंग कर सकते हो और उसके साथ 1-2 दिन के बाद ब्रोटन चालू कर दो, तो उसमें भाई दिक्कत नहीं आती कोई भी। और नई तूड़ी से बहुत सारे पशुओं में भाई बंदा भी पड़ जाता है, क्योंकि ये तूड़ी भाई हार्ड होती है और धीरे धीरे करके पशु इसको खाने लगता है और पचाने लगता है। तो तूड़ी डालने का भाई एक और, जैसे शाम को 3 या 4 बजे आप पशुओं को तूड़ी वगैरह डालते हैं, तो उस तूड़ी को सुबह भिगो दें भाई पानी के साथ, उसको भिगो दें ताकि वो जब लग पशुओं के खाने के टाइम लग वो बिल्कुल नरम हो जाए, उस तरीके से आप उसको दे सकते हो। तो इन बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए भाई, अगर पशु को दिक्कत हो जाए तो बाद में बात हाथ नहीं आया करती, सिर्फ 10 या 12 दिन की बात है। 10-12 दिन आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो पशु स्वस्थ रह सकते हैं। तो मैंने जो भी 2-3 चीज़ बताई, इस तरीके से आप कर सकते हो। एक तो जिन पशुओं की डीवर्मिंग नहीं की हुई तो उनकी डीवर्मिंग करा दें भाई, और अपना मीठा सोडा और नमक ज़रूर दें पशुओं को, और तूड़ी को भाई अगर शाम को डालनी है तो सुबह भिगो दें ताकि वो अच्छे तरीके से नरम हो जाए और पशु आसानी से खा ले और पचा ले और पशु के कोई भी दिक्कत ना हो। तो आज की छोटी सी जानकारी आप सब भाइयों को कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए सभी भाइयों का धन्यवाद। सभी भाइयों को दिल की गहराई से राम राम।